फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मेथी के थेपले, उसको हम दही और अचार के साथ खाएंगे। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाउल लेंगे, उसमें हम गेहूँ का आटा डालेंगे। 2 कप मैंने गेहूँ का आटा लिया है, वो डाल देंगे। 1 चम्मच मैंने तिल लिया है, 1 चम्मच मैंने खसखस लिया है, 1 चम्मच मैंने चने का आटा लिया है, वो भी डाल देंगे। 1 चम्मच मैंने लाल मिर्ची पाउडर लिया है, वो भी डाल देंगे। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट लिया है, स्वाद अनुसार नमक, और 1 कप मैंने मेथी लिया है। मेथी को अच्छे से धो के साफ करके और कट कर लिया है, वो भी डाल देंगे। और 4 बड़े चम्मच मैंने दही लिया है, वो भी डाल देंगे। और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करना है। और मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल लिया है, वो भी डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अभी पानी लेंगे और आटा गूंथते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और आटा गूंथते जाना है। और थोड़ा पानी लेंगे और आटा गूंथते जाएंगे। और ये आटा को हमने गूंथ लिया है, अभी उसमें थोड़ा ऑयल डालेंगे और फिर से थोड़ा गूंथ लेंगे। हमारा आटा तैयार हो चुका है और 10 से 15 मिनट उसको रेस्ट देंगे। और अभी चकला बेलन लेंगे और थेपला बनाना स्टार्ट करेंगे। अभी मैंने डो के छोटे छोटे बॉल्स बना लिए हैं और अभी हम लोग थेपला बनाना स्टार्ट करेंगे। गोल गोल घुमाते जाएंगे और थेपला बनाते जाएंगे। और ये हमारा पहला थेपला बनके तैयार हो चुका है। सेम प्रोसेस से दूसरा थेपला भी बना लेंगे। अच्छी तरह से गोल घुमा के थेपला बनाएंगे। और ये हमारा दूसरा थेपला भी तैयार हो चुका है। पैन मैंने गरम किया है और अभी थेपला को सेक लेंगे। अच्छी तरह से सेकेंगे और अभी ऊपर से ऑयल डालेंगे। 1 से 2 चम्मच तेल लिया है मैंने, उसको भी डाल देंगे और अच्छी तरह से सेक लेंगे। अभी दूसरी साइड पलटा देंगे, फिर से 1 से 2 चम्मच ऑयल डालेंगे और अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। गाइस, आप देख सकते हैं हमारा थेपला मस्त बना है। और अभी हम उसको प्लेट में निकाल देंगे और अभी हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। गाइस, आप देख सकते हैं हमारा थेपला बनके रेडी हो चुका है और अभी उसको हम दही और अचार के साथ खाएंगे। बाय गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।